जगह है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते हैं तो आपको 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। इस जगह के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो कि हमारी जान माल इज्जतों का मुहाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैन जावेद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जनाब आज हमारे साथ हैं शेख अब्दुल जब्बार साहब और हमें इंशाल्लाह अब ये लेके जाएंगे मुख्तलिफ मकामात पे यहाँ पे, क्योंकि इनको यहाँ का सारा नॉलेज है और हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो शेख अस्सलाम वालेकुम। शेख ये बताइए कि आज हम कहाँ कहाँ इंशाल्लाह जा रहे हैं? आज हम जाएंगे इंशाल्लाह सुल्ह हुदैबिया और बेहतर रिजवान वाली जगह पे इंशाल्लाह। से हम जाएंगे सैयदा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा की कब्र, वहाँ से विजिट करते हुए फिर हम जाएंगे नहर जुबैदा पर इंशाल्लाह। जगह इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ले जनाब इंशाल्लाह इन तीनों जगहों पे आपको साथ अपने लेके जाएंगे। तो आपने जाओ आपने व्लॉग को एंड द क्लास में देखना है इंशाल्लाह। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग व्लॉग। आप में से जो लोग इन जगहों को विजिट कर चुके हैं वो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी बताइएगा। वे अत सिटी 7 ही खड़ी वाह जी वाह यार, ये डेजर्ट से होके आई है। ये देखें ये मट्टी है, मट्टी है भाई, ये देखें ये मट्टी है। ये देखें जी डेजर्ट से आने के बाद ये सीन होता है। जनाब शेख अब्दुल जब्बार साहब की जो गाड़ी है उसको यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। हम गलती से गलत जगह पे गाड़ी पार्क कर गए थे और ये जनाब इसके ऊपर ये लगा गए हैं वार्निंग, डू नॉट अटेम्प्ट टू ड्राइव। उसकी रीज़न ये है अगर ड्राइव करने की अटेम्प्ट की तो ये इसके रिम को उड़ा देगा पूरा। और एक्चुअली ये बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये ऐसे लगा जैसे ये रेस्टोरेंट के आगे पार्किंग की जगह है मौजूद है, तो वो बस पड़े बगैर हम उधर के अंदर चले गए। भूख इतनी लगी हुई थी कि हम सारे पढ़े लिखे अनपढ़ हुए हुए थे उस वक्त, तो किसी ने नहीं पढ़ा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जेन्युइनली हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें नज़र नहीं आया जी, हमें नज़र नहीं आया। उसकी रीज़न क्या थी? अखा लग के रोटी आई हुई नहीं है। उसकी रीज़न ये थी कि हम ऑलरेडी यहाँ से वन में आए थे। अच्छा ऑलरेडी वन में आए, तो कानून थोड़े के कटे वो थोड़ी खैर होगी। तो भाई ऐसा हुआ है अपना आकर, तो देखते हैं अब हमें आगे क्या बनता है। उतनी देर लबन पीते हैं लबन हम इन्हें कह रहे हैं आप आगे बैठे तो कहते हैं हमने भाई देख लिए वो उन्हें कह नहीं ये बैठेगा आगे। साकिब हर किसी की नज़रें तेरे पे माशाल्लाह। नहीं इसकी हर हर बंदे की नज़र माशाल्लाह इस पे यार। आगे दो नहीं यार, आप पीछे हम ज़्यादा इजीली एडजस्ट कर जाएंगे ना। जैन को आगे बिठा दे, आगे तो बैठ जा सर। जैन को वो कह रहे हैं आप आगे जाए, वो कह रहे हैं आप आगे जाए। आप दोनों में से अच्छा मैं भी ऐसे साथ ही हूँ। साकिब जो है ना वो माशाल्लाह ज्यादा जगह घेरता है, उन्होंने कहा कि ये बैठे तो बहरहाल। अच्छा शेख हमने माशाल्लाह कितने में ये सीखा है जी? वो मैं बताता हूँ। अच्छा। एक तबलीगी जमात में ना एक बंदा चला गया। अच्छा उसने कोई 40 दिन लगाया, 40 दिन लगाने के बाद ना उसे तश्कील कर दी गई उसकी। अच्छा मुख्तलिफ जगह पे ना अपॉइंटमेंट कर दिया गया दावत के लिए। तो वहाँ पे वो जो तबलीगी जमात के उसके साथी थे ना वो उसका तारुफ करवाते थे, यार ये वो बंदा है जो पहले चर्च भेजता था, अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दी और ये अब जो है ना वो तबलीग लोगों को कर रहा है। एक जगह पे उसका ये तारुफ, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे। उसने फिर कहा यार अल्लाह का नाम लो, इतना तो मैं पहले बदनाम नहीं था जितना तुम लोगों ने तबलीग के बाद मेरा बदनाम कर दिया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बदल लेते हैं। तीन दिन के हमारे चल रहे हैं। नहीं नहीं शेख ये तो गलती से बस हमने मुल्तान मुल्तान लगाई थी, यहाँ से हम इधर से यूटर्न ले रहे थे इस जगह से उस तरफ ना और वो सामने था, उस पे नजर पड़ी तो हमने सीधा उधर सामने ही रुक गए और वो बॉर्डर में पड़ा। बारह हमारी गलती थी, नहीं ये गलती थी। पाकिस्तानी कितना बनता है? मेरा ख्याल है कि कोई 7-14 कोई 17-18 हजार। 17-18 हजार कितने रियाल कितने थे? 18 हजार 260 थे मेरा ख्याल। 260 रियाल जनाब हमें जो है वो फाइन हुआ है। इतने में हमने माशाल्लाह पार्किंग सीख ली है। इस बार को इस चैप्टर को
हम आ गए जनाब। इस एरिया का नाम शुमेसी है और ये जो जगह जो आप ये देख रहे हैं ये वो जगह है, ये चार दीवारी जो है ये जो बनी हुई है इस जगह पे, ये वो जगह है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया के मौके पे जब वो आए थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना खैमा लगाया था और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहीं पर मौजूद थे। अभी सऊदी हुकूमत ने इसको बाहर वाली साइड से जो है ना वो कवर कर दिया, यहाँ पे आप डायरेक्टली पहुँच नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको देख ज़रूर सकते हैं। और अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो इस तस्वीर में आप वो इसका अंदर से किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। और ये जो मस्जिद है इस मस्जिद का नाम है मस्जिद हुदैबिया और ये वाकया है हदूद हरम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ओल्ड मक्का जद्दा रोड, ये ओल्ड मक्का जद्दा रोड है। इस ओल्ड मक्का जद्दा रोड पे आप हदूद हरम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तकरीबन एक से सवा किलोमीटर के बाद ये मस्जिद आती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में जब यहाँ पे आए थे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज अदा करने के लिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को साथ लेके हदूद हरम में जाया करते थे और वहाँ पर दाखिल हो के नमाज़ पढ़ा करते थे। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हुदूद हरम में दाखिल हो के अगर आप नमाज अदा करते हैं तो आपको 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है एक नमाज पढ़ने से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर जाके नमाज अदा किया। यहाँ पर बहुत सारी बसेज आई हुई हैं और लोग ज़्यारत करने आए हुए हैं इस जगह की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से होके गए, जिस जगह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से पाक मंसूब है वो मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह बन जाती है और लोग फिर उस जगह पे जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एग्जिस्टेंस वहाँ पे थी उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये अकीदत हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी। इस वक्त यहाँ पे 4 कैमराज निकले हुए हैं और एक साकिब बुबीन का कैमरा है और एक ये अली भाई हैं। अली भाई तो माशाल्लाह वो कोई कमाल ही सीन है इनका, बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची हैं इन्होंने मेरी, माशाल्लाह मज़ा आ गया। और हम इंशाल्लाह अभी यहाँ पे नमाज का वक्त हो गया लेकिन नमाज हम यहाँ पे अदा नहीं करेंगे, नमाज हम हदूद हरम में इंशाल्लाह दाखिल हो के नमाज अदा करेंगे ताकि 1,00,000 नमाजों का सवाब हमें मिल सके। जितनी नमाजें हम हदूद हरम के अंदर पढ़ सकेंगे हमें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुलह हदीबिया के मौके पे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा उनको तशवीश थी कि ये हमने बहुत दब के एक मुआहिदा किया है, हम काफ़ी ज़्यादा दबा दिए गए हैं इस मुआहिदे में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस पर तसल्ली दी और फिर एक वक्त आया कि वही जो मुआहिदा था उसी मुआहिदे की बेस पे एक पहली इस्लामी मुमलिकत जो है वो कायम हुई। जब अल्लाह की मदद आपके साथ हो तो बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने में आपको नुकसान देह नज़र आ रही होती हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मुआहिदा तय किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि ये हमने तो काफ़ी मुआहिदा काफ़ी दब के नहीं कर लिया, मतलब काफ़ी दबाया गया है हमें, जो शरायत हैं वो मुसलमानों के फेवर में नहीं नज़र आती। लेकिन अल्लाह जो जानता था और अल्लाह ने अल्लाह के नबी को जो बताया था वो हर कोई तो नहीं जानता था और वही एक ऐसा मुआहिदा था जो कि मुसलमानों की पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद बना और उसी के बाद पहली रियासत कायम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के कैसे हार को जीत में बदल दिया। यहाँ पे जनाब डिफरेंट चीज़ें बेच रहे हैं, ये कुछ पत्थर हैं, कुछ अंगूठियाँ हैं, कुछ ये गुडीज़ हैं और तस्बीहां हैं माशाल्लाह। किधर जा रहे हैं? हेलो भाई,
फिर वॉशरूम जा रहा है। यहाँ पे भी बनाए, यहाँ पे ना वो कुआं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी लेते थे पीते थे, वो अभी ना एक्सपोज नहीं है। ड्रोन से एक्सपोज कर ले। जी जी, शेख सलाउद्दीन अभी बताएंगे तो इतने दूर जाएगा। हाँ जाएगा जी जी, काफी दूर चला जाता है ये ड्रोन। ये बिल्डिंग वो जो ये वाली इमारत या वो जो ऊपर है उस दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से पानी पिया करते थे वो कुआं आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये जो दो पिलर्स नज़र आ रहे हैं इन दोनों पिलर्स के दरमियान, ये दो पिलर्स, इन दोनों पिलर्स के दरमियान वो कुआं है। अली भाई अभी अपना ड्रोन उड़ा के उसको इंशाल्लाह दिखाने लगे हैं। ये देखें कुएं के ऊपर हुआ है बिल्कुल। हाँ ये कुएं वो देखें उन्होंने उस जगह के ऊपर कुछ नहीं किया। लीजिए जी, हम हदूद हरम में दाखिल होते ही ये साथ ही मस्जिद है और इंशाल्लाह यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और एक नमाज का 1,00,000 नमाजों के बराबर इंशाल्लाह सवाब होगा। अच्छा, हदूद हरम में दाखिल जब होते हैं आप तो निशानी है उस हद में दाखिल होने की, एक ये निशानी अभी लेटेस्ट है और इससे पहले वाली जो निशानी थी वो ये जो तीन ये जो बने हुए हैं ये सुतून, ये पहले वाली उससे निशानी थी और उससे पहले भी एक निशानी थी हदूद हरम में दाखिल होने की, एक पहले वाली निशानी जो थी वो भी आपको दिखाते हैं। वो ये निशानी थी, तो ये जनाब वो निशानी है जिसको देख के आपको ये पता चल जाता है कि अब हम हदूद हरम में दाखिल हो चुके हैं और इससे एक स्टेप उधर वहाँ पे नमाज पढ़ें और एक नमाज के बाद 1,00,000 नमाजों का सवाब हासिल करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।